गाइस, तो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हमने इंट्रोडक्शन और इसमें एक्सरसाइज की थी, इसकी 2A में हमने कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं कराई थी, इससे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बता दिया था ट्रू फॉल्स, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये करना था। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आप बता सकते हैं, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने करा दिया था, 7 से हमारे क्वेश्चन रह गए थे। तो अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो इससे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर सेट्स है वो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने करा दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप फर्स्ट चैप्टर देख सकते हो। हम चैप्टर नंबर 2 पर हैं अब। इससे जो पहला वाला लेक्चर है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देख रहे हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए बी सी ये कुछ सेट्स हैं। ए है हमारे पास क्या 1, 2, बी है हमारे पास ओनली 3 एंड सी है हमारे पास 4, 5। अब क्या बोल रहा है कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इनको बताना है कि ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें दिखाना आपको LHS RHS के इक्वल, तो LHS अगर RHS के इक्वल आ गया तो ट्रू है, वरना फॉल्स है, सिंपल। अब करते हैं इसे, यही क्वेश्चन है हमारा, तो हमेशा क्वेश्चन बिल्कुल सही से लिखना है आपको, कभी कभी हम क्वेश्चन ही में ही लिखने में ही मिस्टेक कर लेते हैं, कि हम उसको क्या कर लेते हैं, बाय मिस्टेक कुछ चेंज हो जाते हैं, वो क्वेश्चन हमारा आंसर आता नहीं है। अब सबसे पहले आपको बताना है कि बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी, देखो ए सेट हमारा ये है, ए सेट क्या है हमारा ये, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 1 एंड 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किससे, मीन्स कार्टिजन प्रोडक्ट कहते हैं इसे, हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इसका कार्टिजन प्रोडक्ट करना है हमें 1, 2 का बी यूनियन सी से। बी और यू सी का यूनियन कितना आएगा, बी और यू का यूनियन, बी और सी का यूनियन आएगा बी है हमारा 3 और इसमें 4 एंड 5। यूनियन का मीन्स हमने देख लिया था फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है, इसमें सभी एलिमेंट्स आपको लेने होते हैं। अब अगर हम इसका कार्टिजन प्रोडक्ट करें, या फिर हम पहले इनको बना लेते हैं, देखते ही पता चल जाएगा। देखो ए यूनियन बी करना है आपको, ए यूनियन बी करेंगे हम, कितना आएगा इस वाले सेट में, ये आएगा 1, 2 एंड 3, इसमें 1, 2 एंड 3 आएगा, इसका कार्टिजन प्रोडक्ट करना है ए यूनियन सी से। ए यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1, 2, 4 एंड 5, तो क्या ये दोनों इक्वल है, मीन्स इसमें सेम ऑर्डर पेयर डबलेट जो बनेंगे हमारी वो सेम आएंगे, नहीं आएंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें हैं 2 एलिमेंट्स, इसमें कितने हैं 3 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स होंगे, और इसमें 3 और इसमें 4, तो इसमें तो एलिमेंट्स ही ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें तो एलिमेंट्स ही ज़्यादा आ रहे हैं, 3, 4, 12, इसमें 12 एलिमेंट्स आएंगे, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो इसमें आएगा हमारा फॉल्स। तो इसे करने की भी कोई कंपलसरी नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, देखते ही बता सकते हो कि फॉल्स होगा, क्योंकि इनके जो ऑर्डर पेयर आएंगे और इनके ऑर्डर पेयर आएंगे वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। सेकंड वाले में कह रहा है, इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसमें कह रहा है कि ए क्रॉस फिर है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या इक्वल होगा ए क्रॉस इंटू इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। अब आपको ये देखना है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। अब अगर हम इस वाले पार्ट को करते हैं, ए है हमारे पास 1, 2, ओके, ये ए सेट है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसका किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग है दोनों में कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट है कुछ कुछ भी नहीं है कॉमन एलिमेंट, तो ये आएगा हमारा एम्प्टी, और अगर ये एम्प्टी आ गया तो यहाँ पर भी इनके जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो एम्प्टी आएगा, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ए क्रॉस बी कर लो, ए क्रॉस बी में आपको ए का बी के साथ क्या करना है, कार्टिजन प्रोडक्ट करना है, तो एक 1 के साथ 3 हो सकता है और 2 के साथ क्या हो सकता है 3, ऐसे ही तो करते हैं, यहाँ पर हमारा 1, 2 और यहाँ पर है हमारा 3, तो 1 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 3, ये दोनों एलिमेंट्स होंगे, इसका इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी के साथ, ए क्रॉस सी के साथ, ए क्रॉस सी, ए और सी के साथ करेंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे, क्या क्या आएंगे, देखो यहाँ पर 1, 2 है और यहाँ पर क्या है 4, 5, 1 के पहले इन दोनों में, तो 1, 4, 1, 5 और फिर 2, 4 एंड 2, 5, दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ही नहीं है, दोनों ही हमारे एम्प्टी सेट, ठीक है, आ रहे हैं, तो इसका मीन्स ये क्या है हमारे, ये हो गया हमारा ट्रू, दोनों ही बिल्कुल LHS RHS बिल्कुल इक्वल आ गए हमारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें ए बी सी गिवन है एंड ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस सी कर सकते हो आप, सी क्रॉस ए एंड ड्रॉ देयर ग्राफ्स, ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते, देखो
सर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, क्या ग्राफ समीकरण ड्रॉ करते हैं इसमें आंसर शीट में? ऐसे ग्राफ नहीं गिवन किए हैं इसने, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ही गिवन नहीं किया है। देखो करोगे कैसे आप, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, इसके सेट लिख लेते हैं। ए सेट है हमारे पास, इसमें है 1 2 3 4। बी सेट है, इसमें क्या है हमारे पास 5 7 9। सी सेट है हमारे पास, इसमें क्या है 2 4 6। ओके ए क्रॉस बी फाइंड करो, करते हैं इसमें ए क्रॉस बी फाइंड। ए क्रॉस बी कितना होगा, देखो 1 के साथ सभी एलिमेंट 1 5 1 7 1 9, 2 के साथ सभी एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल 4 3 12 एलिमेंट्स होंगे, 2 के साथ 2 5 2 7 2 9, 3 के साथ ले लेते हैं 3 5 3 7 3 9, 4 के साथ ले लेते हैं 4 5 4 7 4 9, ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी हो गया, अब हम क्या करेंगे इसमें, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है अगर हमें, तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको वही लाइंस बनानी होती हैं या फिर आप ग्राफ पेपर ले सकते हो। ये किया हमने, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपको ड्रॉ कर लेना है। ओके यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2, तो फिर इसमें पूरा ग्राफ ही बनाना पड़ेगा हमें। ऐसे अगर इसमें बनाते हैं इसको जिस टाइप से, तो अगर हमने इस टाइप से ग्राफ बनाया तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, एंड ये वाई की तरफ हम क्या कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको अगर ये वाले एलिमेंट्स का ग्राफ बनाना है, ये जो हमारे आए हैं ए क्रॉस बी आया हमारा, तो 1 के साथ 5 लेना, देखो 1 के साथ क्या लेना 5, ये आएगा हमारा एलिमेंट 1 5। 1 के साथ 7 लेना है तो 1 के साथ 7 ले लिया हमने, ये आएगा हमारा एलिमेंट 1 7। 1 के साथ आपको 9 लेना है तो ये आ गया हमारा एलिमेंट 1 9। ऐसे ही एलिमेंट्स बना देंगे। फिर 2 के साथ आपको लेना है 5, तो 2 5, यहाँ पर 2 7, और यहाँ पर ये 2 9। फिर आपको क्या लेना है 3 के साथ, तो 3 के साथ ले लेंगे हम 3 5 3 7 एंड ये 3 9। फिर आपको 4 के साथ लेना है तो यहाँ पर 4 5, यहाँ पर 4 7 एंड यहाँ पर ये 4 9। ये है सिंपल इसमें। ओके अब आपको ऐसे ही आगे क्वेश्चंस कर लेने हैं, जैसे आपको बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, जो भी आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली। बी क्रॉस सी फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो बी क्रॉस सी फाइंड करो, उनको रिप्रेजेंट कर दो। जैसे 5 और 2 आएगा तो यहाँ पर 5 और 2, दूसरा ग्राफ बनाकर आप 5 और 2 यहाँ ले सकते हो, ठीक है। फिर जैसे 5 के साथ 4 आएगा तो 5 के साथ 4 ले सकते हैं, इस टाइप से बनाना है, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास ए क्रॉस बी आर, ये हैं कुछ एलिमेंट्स और एक जो सेट है हमारा वो ये है, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए हैं, वो क्या होंगे ये पूछ रहा है। देखो कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास, ए एक्स सी वाई डी जेड, यह है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि देखो ए का मीन्स है, ए क्रॉस बी का मीन्स है कि पहला जो एलिमेंट होगा वो ए से लिया गया है, पहला एलिमेंट वो ए से लिया गया है, और ए सेट इसने पहले से गिवन कर दिया है हमें, क्या ए सेट गिवन कर दिया है ये ए बी सी डी, तो इसमें बी नहीं था, बी इसमें बता दिया इसने। लेकिन जो दूसरा वाला सेट होगा उसमें क्या होंगे एलिमेंट, उसमें होंगे एक्स होगा, इसमें वाई होगा और ये जेड। सेकंड वाले जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं हमारे सेकंड सेट के एलिमेंट, ठीक है। सेकंड सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड। फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या होंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सेट फर्स्ट वाले एलिमेंट, सेकंड वाला सेट सेकंड वाले एलिमेंट। तो ए सी डी तो इसने गिवन किया था, लेकिन इसने
ए सेट पहले से अपने आप से दे दिया, लेकिन अगर ये नहीं देता तो हम ए सी और डी ही लेते ओनली। ओके अब हमें ये भी लेना है और बी में क्या लेना है हमें एक्स वाई सेट। अभी कह रहा है कि इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स बता दो, तो बस आपको ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा हमारा, ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, एक आएगा ए एक्स, ए एक्स ए के साथ वाई, फिर ए के साथ जेड, फिर ऐसे बी के साथ, बी के साथ एक्स, बी के साथ वाई एंड बी के साथ जेड, फिर ऐसे सी के साथ, सी के साथ एक्स, सी के साथ वाई एंड सी के साथ जेड, फिर ऐसे डी के साथ, डी के साथ एक्स, डी के साथ वाई एंड डी के साथ जेड। ओके ये है। अब आपको बताना है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स, देखो ए एक्स ये रहा ए एक्स, सी वाई ये रहा सी वाई, डी जेड ये रहा डी जेड, ये एलिमेंट्स इसने गिवन किए थे रिमेनिंग एलिमेंट्स आगे, तो हम सभी एलिमेंट्स बता देंगे। इसमें रिमेनिंग एलिमेंट्स गिवन किए हैं ए वाई गिवन किया ये रहा ए वाई, ए जेड गिवन किया ये रहा बी एक्स गिवन किया, तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स इसने बता दिए इन तीनों को छोड़ दो। ओके अब ऐसे ही क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा था ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर है आर अमंग द एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से लिए गए हैं। इफ ए एंड बी हैव थ्री एलिमेंट्स इच, अगर ए और बी दोनों के पास तीन तीन एलिमेंट्स हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन ऑल डज द सेट ए क्रॉस बी हैव, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये बताना, ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स और रिमेनिंग एलिमेंट्स बताना। सिंपल है, देखो भैया कि जो फर्स्ट एलिमेंट वो फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के, बस यही है। दोनों में तीन तीन एलिमेंट्स होने चाहिए, अगर मैं ए वाला सेट बनाते हैं हम तो क्या लेंगे वन टू और थ्री, और अगर हम बी वाला सेट बनाते हैं और इसमें भी थ्री एलिमेंट्स है तो सेकंड वाले एलिमेंट क्या है थ्री टू वन टू थ्री है, तो इसमें भी वन टू थ्री लेंगे हम। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें, अब बताओ इनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें अगर हम कार्डिनल नंबर, तो थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा नाइन। अब नाइन होंगे क्या वो, अगर हम इसका ए क्रॉस बी फाइंड करें तो क्या होंगे कि वन को वन में करो, वन को टू में करो, वन को करो थ्री में, फिर ऐसे टू को कर दो, टू को वन में, टू को टू से और टू को थ्री से, एंड फिर इसमें जो रिमेनिंग है थ्री को करो, थ्री का कितना हो जाएगा थ्री वन थ्री टू एंड थ्री थ्री, ये टोटल एलिमेंट्स होंगे इसके। रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछ रहा है अगर, तो इन तीनों को हटा दो, वन वन टू टू थ्री थ्री को हटा देते हैं हम, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे बच जाएंगे। ठीक है, यही हमें बताना है इसमें, ये था सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर एट। ओके अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन, ये कह रहा है कि ए बी सी की बने देन वेरीफाई, इनको वेरीफाई करना है, चलो हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको वेरीफाई करना, देखो ए हमारे पास है सेट क्या है वन फोर, बी यूनियन सी करेंगे बी और यू का यूनियन करेंगे, बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन करेंगे तो टू इसमें है इसमें भी है, तो टू थ्री सिक्स लेंगे हम, और इसमें टू थ्री तो है सिक्स और इसमें सेवन एक्स्ट्रा है तो सेवन और ले लेंगे। यूनियन हमने फाइंड करना सीखा फर्स्ट चैप्टर में। अब इसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कितना आएगा, इसमें एलिमेंट आएंगे वन टू वन थ्री वन सिक्स वन सेवन और क्या आएगा फोर वन फोर टू फोर थ्री, फोर का टू में फोर की थ्री में फोर की सिक्स में एंड फोर का सेवन में, ये आएंगे इसके ऑर्डर पेयर। अब इसके देख लेते हैं चेक करके यही ऑर्डर पेयर आ रहे हैं नहीं, ए क्रॉस बी करो पहले, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करेंगे तो पहले वन को इन सभी में वन टू वन थ्री वन सिक्स, फिर फोर को इन सभी में फोर टू फोर थ्री फोर सिक्स, फिर इसका यूनियन करना किसके साथ ए क्रॉस सी के साथ, ए पर सी के साथ वन टू वन थ्री वन सेवन वन टू वन थ्री वन सेवन और फिर फोर टू फोर थ्री एंड फोर सेवन, ये करेंगे इसमें हम, ये हो गया। अब इन दोनों में देखो यूनियन में, तो यूनियन में सभी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, तो यूनियन करेंगे तो वन टू है इसमें वन टू लेंगे ही, तो आप पहले सारे एलिमेंट्स ले लो, देखो एक सेट के सभी एलिमेंट्स ले लो और फिर जो हम ले चुके हैं उसे दोबारा मत लेना, बस फोर टू फोर थ्री फोर सिक्स ये आ गई। अब देखो वन टू ले चुके हैं, वन थ्री ले चुके हैं, वन सेवन नहीं ले सक लिया तो वन सेवन ले लेंगे,
फोर टू हैश में ले चुके हैं, फोर थ्री ले चुके हैं, फोर सेवन और लेना है। अब देख लो कि आप उसमें इक्वल है नहीं, वन टू हैश में, वन थ्री हैश में, वन सिक्स हैश में, वन सेवन, ये रहा वन सेवन, फोर टू है, यस है, फोर थ्री भी है, फोर सिक्स भी है और फोर सेवन भी है, तो बस ये क्या होगा, इक्वल हो गए, हैंस प्रूफ। पर इसे आप ऐसे करना कि एल एच एस को अलग करना, आर एच एस को अलग स्कूल करके दिखाना, आप इसे ले लेना एल एच एस, इसे ले लेना आर एच एस, और फिर आप दिखा देना एल एच एस इगल्स टू आर एच एस। ओके, ऐसे ही सेम इसका सेकंड पार्ट है, उसको आप कर सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट करेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। कह रहे कि ए बी सी आर दिस एंड शो दैट, इसमें भी शो करना है हमें, तो कर लेते हैं, इसमें भी शो करना है। अगर शो करेंगे इसको, देखो सबसे पहले हम एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस में क्या फाइंड करेंगे, ए को ए से ही, ए का ए के साथ ही को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ए के एलिमेंट को ए से ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है। देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि टू थ्री की आप किसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, टू थ्री में ही कर रहे हो, तो क्या क्या आएगा, टू टू, टू थ्री, थ्री टू एंड थ्री थ्री, कि पहले टू की दोनों से फिर थ्री की दोनों से, बस यही तो कर रहे हैं हम। अभी आ गया हमारे पास एल एच एस, आर एच एस देखेंगे इसका, इसमें करना आपको बी क्रॉस बी, बी को बी से ही, तो क्या आएगा, वन वन, वन टू, वन थ्री, ऐसे आएगा इसमें क्या, टू वन, टू टू, टू थ्री, कैसे आ रहे हैं भैया, आप ऐसे करके देख लो, वन टू थ्री को वन टू थ्री से ही कर लो आप, तो वन वन, वन टू, वन थ्री, फिर टू वन, टू टू, टू थ्री, फिर थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, ओके यही आएगा इसमें। इसका इंटरसेक्शन करना आपको सी क्रॉस सी के साथ, तो करो इसमें, तो टू को पहले सभी एलिमेंट से, टू टू, टू थ्री एंड टू फोर, फिर थ्री को सभी एलिमेंट से, थ्री टू, थ्री थ्री एंड थ्री फोर, फिर फोर को सभी एलिमेंट से, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, इन दोनों का इंटरसेक्शन, वन वन है इसमें, नहीं है, वन टू है, नहीं है, वन थ्री है, नहीं है, टू वन है, नहीं है, टू टू है, यस टू टू है, तो टू टू ले लेना है, टू टू है दोनों में, टू थ्री है, यस टू थ्री है, तो टू थ्री भी लेंगे, थ्री वन है, नहीं है, थ्री टू है, यस थ्री टू है, तो थ्री टू लेंगे, थ्री थ्री है, यस थ्री थ्री है, तो थ्री थ्री लेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो क्या होगा, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर टेंथ। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर इलेवन है, कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए थ्री एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी टू, और ये इनके कुछ ऑर्डर पेयर गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करना है आपको, इलेवन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन है थ्री एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी गिवन है टू, इसमें मीन्स इसमें थ्री एलिमेंट है, इसमें टू एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ इसके ऑर्डर पेयर गिवन है एक्स वाई, एक्स वन, वाई टू एंड जेड वन। आपको क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी फाइंड करो, फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी वी आर, अच्छा फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एक्स वाई जेड अलग एलिमेंट्स, तो सिर्फ आपको फाइंड ए और बी करना है। ए और बी कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, देखो ए के सेट क्या होंगे, मीन्स एलिमेंट क्या होंगे, ए के थ्री एलिमेंट्स होने चाहिए, एक्स वाई और जेड तीनों ही डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो यही क्या होंगे इसके एलिमेंट्स होंगे। बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, टू ही एलिमेंट्स हैं, वन टू वन, वन बार बार रिपीट हो रहा है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता सेट में, तो वन को सिंगल टाइम लिखेंगे, तो ये हो गए। ये भी टोटल आपसे इनके क्या बोलता है कि सभी एलिमेंट सभी ऑर्डर पेयर फाइंड करो, तो इनको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है, डबलेट, डबलेट तो मतलब वो हो जाते हैं कि जिसमें हमारे सेम एलिमेंट होते हैं, इसे कहते हैं हम ऑर्डर पेयर। तो अगर ये सभी एलिमेंट्स कहता तो एक्स को सभी से कर देते, अगर इसमें कहता है ए क्रॉस बी फाइंड करो, तो एक्स का वन के साथ, एक्स का टू के साथ, वाई का वन के साथ, वाई टू के साथ, वाई हो गया जेड वन के साथ एंड जेड टू के साथ, ये आ जाता, ये सभी इसके रिमेनिंग एलिमेंट आ जाते, इनको छोड़कर ये एलिमेंट, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, सिक्स ही तो होंगे, ये टू जो सिक्स। अब हम ट्वेल्व करते हैं कि द कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ नाइन एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड दीज, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए फाइंड करना और रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए फाइंड करना, सिंपल है, इसमें दो दे रखे हैं डबल सॉरी ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास माइनस वन कोमा जीरो एंड वन कोमा जीरो कोमा वन। अभी कह रहा है कि दोनों में नाइन एलिमेंट्स होंगे, तो नाइन एलिमेंट्स होंगे इसका मीनिंग क्या है, नाइन एलिमेंट्स होंगे मीन्स दोनों में इक्वली एलिमेंट्स होंगे, दोनों सेम सेट है, तो इसमें थ्री, इसमें थ्री, क्योंकि सब नाइन को आप थ्री इंटू थ्री तो लिख सकते हैं, तो इसमें भी थ्री, इसमें भी थ्री,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में थ्री है, सेट एलिमेंट है वो होंगे क्या? देखो आप इसको एक एलिमेंट मानो या इसको, सभी को एक एलिमेंट ही मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों सेट सेम है। इसमें तीन अलग अलग डिजिट्स दिख रही हैं, माइनस वन जीरो एंड वन, तो बस यही हो जाएंगे इसमें, माइनस वन जीरो एंड वन, ये क्या हो गया सेट ए। रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड करने के लिए कंप्लीट ए क्रॉस ए फाइंड करना होगा हमें, तो आपको माइनस वन को इन सभी से, तो माइनस वन को मैं माइनस वन, फिर माइनस वन कोमा जीरो, एंड फिर माइनस वन कोमा वन, फिर किसके साथ? ज़ीरो के साथ, ज़ीरो कोमा माइनस वन, ज़ीरो कोमा ज़ीरो, एंड ज़ीरो कोमा वन। ओके, फिर किसके साथ? वन के साथ, वन कोमा माइनस वन, वन कोमा ज़ीरो, एंड वन कोमा वन। ओके, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये हो गया नाइन सिंपल हमारा। ये करना था इसमें हमें ए क्रॉस ए में। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इन दोनों को हटा दो बस, माइनस वन कोमा जीरो को हटा दो और जीरो कोमा वन को यहाँ से हटाना है आपको। ये सभी रिमेनिंग एलिमेंट्स आप लिख दोगे इसमें, यही रिमेनिंग एलिमेंट्स इसमें गिवन है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यही थे हमारे क्वेश्चंस इसमें। आगे हम इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो बस आप इसको करें, अभी प्रिपरेशन करते रहें अपनी, थोड़ा सा डिले हो रहा है, आप लेक्चर्स टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी, आपको कंटिन्यूस लेक्चर मिलेंगे, बस अभी थोड़ा सी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से लेक्चर्स कंप्लीट नहीं, मीन्स कंटिन्यू हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में अब इसमें देखेंगे हम 2B। ओके, आगे के जो लेक्चर्स हैं हमने इस इंट्रोडक्शन में बताया था, थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आती चीज़ है, तो सब कुछ बिल्कुल सिंपल, लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आता है, लेकिन जब हम इनको एग्जांपल्स के साथ करेंगे तब आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन चैप्टर ये भी सिंपल है, जब करेंगे तब सब कुछ सिंपल लगेगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो थोड़ा बहुत, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और ABSC वाले बच्चों के लिए भी हमने एक नया चैनल बनाया है, जिसका नाम चेंज कर दिया हमने, अब उसमें हमने क्या कर दिया, प्रॉब्लम्स बीटर CBSE के नाम से कर दिया है, तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई भी फ्रेंड CBSE में है अगर, या अभी उसने CBSE में जम किया है, तो क्या हो गया, आप क्या कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, उसमें भी आपको अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।